थी सारी। कर दी इन्होंने। और अब ये जा रहे हैं मारुति को स्कूल लेने के लिए। चाबी तो खाली चाबी। आ गए क्या? दाल भात चढ़ा दिया मैंने, एक में दाल और एक में चावल चढ़ा दिया। क्या हुआ राधु? हाँ राधे को भी दे दी मैंने दाल। खाई नहीं आपने दाल? दाल नहीं खाई बेबी? ओ बेबी क्या कर रहे हो? एलोवेरा की छटाई कर रही है। काफी फैल रहा था ये तो इसलिए इसकी छटाई कर रहे हैं। यहाँ पे भी रखे हुए नीचे। खेती करते ना बेचेंगे इनको, दवाई बनेगी इनसे भी। बेच के आऊंगा बाजार में। खराब हो जाएगा फिर। सिरप बनाने के लिए हो जाएंगे वाले, ये चेहरे पे लगाने के लिए हो जाएंगे। थोड़ा वैसे ना खाने लायक तो है नहीं, उस पर वो निकलेगा ना बाल पे लगाने के लिए। उसको भी साफ कर देना, धो देना इनको भी। हाँ रख लो। पूछा दे देना या तो कर देता हूँ साफ। पानी साफ हो जाएगा, पानी सब धुल के। हाँ जमने का तो नहीं बाकी ये डाल देता हूँ में। डाल लो बैठ के काई की। हाँ चलो। ये जो एलोवेरा की जो कटिंग करी थी इसको मैं धो देती हूँ, और धोने के बाद में इसको फ्रिज में रख दूँगी। फिर इसका यूज़ करेंगे बालों के लिए और स्किन के लिए। हेलो दोस्तों, मैं सोनी जोशी स्वागत करती हूँ आप सबका। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, हम भी अपने परिवार के साथ में बहुत अच्छे हैं। तो इन्होंने जो है एलोवेरा की छटाई कर दी है। हो गई कर दी छटाई एलोवेरा की सारी? कर दी इन्होंने। और अब ये जा रहे हैं मारुति को स्कूल लेने के लिए। चाबी तो खाली चाबी। और चाबी घूम रहे अपनी। और ये जा रहे हैं, कूड़ा भी फेंक देंगे साथ में, बच्चों को भी ले आएंगे स्कूल से और कूड़ा भी फेंक देंगे। तो जाओ, दोपहर के 1 बज गए हैं और मैं भी अपना सुबह का तो काम मैंने सब कर लिया है। अब मैं दोपहर का खाना बनाने के लिए जा रही हूँ किचन में। दाल भात फोन ले लो। धूप बहुत तेज हो गई है। जाओ। और राधे भी यहाँ पे बैठा हुआ है, बातें कर रहा है। राधे क्या? दाल भात मिक्स दाल जा रही। आ गई मैं किचन में। ये दाल मैंने भिगा रखी थी पहले से। ये है मिक्स दाल है, चना अरहर मलका तीनों इसमें। बनाती हूँ मैं खाना। चढ़ा दिया मैंने, एक में दाल और एक में चावल चढ़ा दिया। क्या हुआ राधु? हाँ राधे को भी दे दी मैंने दाल। खाई नहीं आपने दाल? दाल नहीं खाई बेबी? ओ बेबी
क्या हुआ? बैठी हूँ मैं यहाँ पे, दाल चावल चढ़ा दिया मैंने और एलोवेरा जो था एलोवेरा जो था वो भी मैंने रख दिया फ्रिज में धो के। अब काफ़ी हो गया था वो, तो उसका इस्तेमाल हम बालों पे और मैं स्किन पे भी करती हूँ, तभी मेरी स्किन जो है इतनी ग्लो करती है। एक अच्छे 20 मिनट हो रहे हैं। हाँ तुझे क्या बोलना है, बोल, इसको भी बोलना होता है। हाँ 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 अभी आ रहे मारुति और काना स्कूल से, अभी आ रहा मारुति भाजी। हाँ 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 दाल जो है उबल गई है तो मैं इसको छोंक देती हूँ। सरसों का तेल खाली करना पड़ेगा, खत्म हो गया। मैंने इसमें जीरा और हींग डाली है, टमाटर जो मैं दाल में ही डाल देती हूँ वो डाला हुआ है, बाकी सब मसाले डाल रखे हैं, मैं लाल मिर्च डालती हूँ। और भात भी बन चुका है, और ये मेरा बेबी भी आ गया, कुछ लेके आया देखो। अरे गर्मी की वजह से जो है गिर गया थोड़ा सा। क्या लायो, रूअफ़ज़ा? रूअफ़ज़ा लायो, गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है। बारिश हुई थी कल लेकिन उससे हल्की सी राहत मिली थी बस एक दिन की। अब इसको रूअफ़ज़ा दिला के लाया, थोड़ा इसकी जान में जान आएगी। रूअफ़ज़ा ये जान में जान डाल दे पीते ही, ये तो गुलगुंडी होता है। और ये आ गए बालकों को लेके, अब हम ये पियेंगे। ये सुंगाड़ा खाना बन के तैयार है, तो मैं पार्टी के लिए रोज सब बनाती हूँ। क्या कर रहे हो ये? राधे को भी दे देना, रूप आ गया राधे तुम्हारे पास, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया मम्मा पास, ये बोलना मेरे को भी दो, मैं भी पीऊंगा रूप जा। अरे गर्मी हो रही है तो उसको तो पीना पड़ेगा। चेक करती हूँ, तू कोई सबरी है क्या? चेक कर करके देती झूठा करके सबको। मीठे मीठे बेरन से, मीठे मीठे बेरन से भर लाई मैं चबड़िया। राधे सुनो, जब तक मैं सेट कर लूँ बाल मम्मी के। ये मारती खा रहा दाल भात और रूअफ़ज़ा के साथ में, चलो खा लो। क्या हुआ? और ये है जी खीरा, और ये भी लिए, क्या नाम है, खीरा है तो सही, इन्होंने भी ले लिया दाल भात और सुबह बनाई थी हमने भिंडी। गर्मी इनको बहुत ज्यादा लग रही है, देखो ये देखो, ये देखो बनियान में, बनियान में। मैं भी यही अपना खाना दाल भात और सुबह ये थी भिंडी बनाई थी, वो भी लिया है भिंडी भी, तो ये प्याज का सलाद। हरी मिर्च ना लाई आज,
आज हरी मिर्च नहीं लाई। तो हम खा लेते हैं अपने दोपहर का खाना। पड़े हुए थे दो दिन के धुले हुए और मैं तय नहीं बनाई थी इनकी, तो अब मैं इनकी तय बना देती हूँ, तय बना के रख देती हूँ सारे कपड़ों की। तो सारे मैं रख देती हूँ कपड़े, तो इस ब्लॉग का एंड में यहीं पे कर देती हूँ। फिर आपसे मिलूंगी मैं न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स को जरूर करें।